हेलो गाइस, मैं हूँ नीलू और मेरे चैनल नीशू ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को अमृतसर का गोल्डन टेंपल और बाघा बॉर्डर की परेड आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हैं। तो गाइस, अमृतसर में गोल्डन टेंपल के अलावा हमने यहाँ पर और भी सारी चीज़ें घूमी थी, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। यहाँ अमृतसर आने के लिए हम लोगों ने दिल्ली से शताब्दी ट्रेन पकड़ी थी और हम लोग शाम को यहाँ अमृतसर में पहुँच गए थे और अपने होटल में चेक इन कर लिया था। गाइस, यहाँ पे गुरुद्वारा कमेटी के भी बहुत सारे होटल धर्मशाला बने हुए हैं और आप चाहे तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक दो घंटे रेस्ट किया होटल में अपने, और फिर हम लोग जलियावाला बाग घूमने के लिए निकल गए थे। गाइस, जलियावाला बाग क्यों फेमस है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, और अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे निहत्थों पे जो गोलियां बरसाई थी, उसके जो निशान हैं और सबूत हैं, जो सबूत के तौर पे, वो आज भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और फिर जलियावाला बाग घूमने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर गुरुद्वारे के सामने जो वहाँ का मार्केट है वो हमने घूमा, और वो भी काफ़ी अच्छा था। आसपास में काफ़ी सारी दुकानें थी कपड़े की और खाने पीने की, हर चीज़ की डेकोरेशन की भी थी, तो थोड़ा हमने वहाँ पे घूमा। और फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल में वापस आ गए और रात हमने वहीं पे स्टे किया। और फिर उसके बाद देखिए गाइस, अगले दिन सुबह हम लोग यहाँ पे गोल्डन टेंपल में आ गए थे दर्शन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो जो ये पानी का कुंड है यहाँ पर, इसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, गोल्डन मछलियाँ, और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और एकदम मतलब पानी इतना साफ़ रहता है, पूरी मतलब मछलियाँ जो हैं एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं, और बहुत सारी रहती हैं, झुंड में रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमने इस गुरुद्वारे का मतलब पूरा चक्कर किया था हमने, और उसके बाद फिर जगह जगह पे प्रसाद जो यहाँ का है पता ही आपको, तो बहुत ही टेस्टी होता है सबसे पहले तो प्रसाद यहाँ का। और उसके बाद फिर हमने सारा मतलब इसमें घूमा और हमने दर्शन भी किया। तो गाइस, बस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग गुरुद्वारे से जब बाहर निकले तो बाहर लंगर चलता है बहुत बड़ा उसमें, तो वहाँ पे हम लोग गए और देखा हमने कि मतलब इतना प्रेम भाव से और इतने प्यार से ये लोग खिलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसमें सेवा की भावना, अगर आप भी चाहे तो आप भी वहाँ पर कर सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। तो बस हमने वहाँ पर लंगर खाया, बल्कि हम रात में भी वहाँ पर गए थे खाने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ ये था कि वो प्रसाद होता है और हमें अच्छा लगा। तो गाइस बस, और उसके बाद फिर वहाँ से देखिए हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी और वहाँ का जो लोकल विजिट था वो हमने सब किया। इसके अलावा हम लोग महाराजा रंजीत सिंह का जो फोर्ट है वहाँ पर हम लोग घूमे थे, और ये देखिए ये म्यूज़ियम की फ़ोटो है और इसमें भी हम लोग गए थे और काफ़ी अच्छा था, उसमें भी मेंटेन किया हुआ था। तो यही सब हमने घूमा और बहुत इंजॉय किया, अच्छा लगा। इसके अलावा हमने गोविंदगढ़ फोर्ट भी घूमा, और यहाँ पर एक 7D शो भी चलता है जिसमें कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। उसमें जैसे हम फील करते हैं कि अगर कुछ आग जल रही है स्क्रीन पे तो वो हमें फील होता है, और बर्फ़ गिर रही है तो ठंडा भी लगता है मतलब, और बारिश हो रही है तो पानी के छींटे आते हैं, तो वो उस मतलब सारा कुछ उसमें महसूस होता है जैसा कि रियल में होता है। तो वो भी एक अच्छा था, स्टोरी दिखाते हैं, स्टोरी के थ्रू आपको सारा कुछ वो फील कराते हैं। तो गाइस, लोकल टूर करने के बाद हम लोग बाघा बॉर्डर घूमने के लिए आए, और यहाँ पे जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे वो गाड़ी वाला हमें उतार देता है और 1 किलोमीटर रह जाता है, वहाँ से हम लोग सभी लोग पैदल जाते हैं। और चेक इन कराने के बाद देखिए पूरा प्रॉपर चेक इन होता है, और उसके बाद फिर देखिए अंदर हम लोग आ गए हैं, और पास लेना होता है इसके लिए पहले से, और देखिए कितनी भीड़ है। और इसमें दो पार्ट में ये डिवाइड है, बीच में गेट है, हमारे अपोजिट साइड में पाकिस्तानी है और इधर हमारे इंडियंस हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा। और गाइस, यहाँ पर आकर आपको मतलब इतना प्राउड फील होता है, प्राउड तो हमेशा ही फील होता है हर इंडियंस को, लेकिन यहाँ का माहौल देख के काफ़ी गर्व महसूस होता है।
यहाँ पर ये जो इंडियंस और जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी अपनी परेड दिखाते हैं, करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, दोनों देशों की तरफ से होते हैं। तो गाइज़ मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आज आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।